अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ऑक्सफोर्ड 3000 मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट वर्ड्स की क्लास टू में आपको खुशामदीद कहा जाता है। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो पे आए हैं तो सिर्फ दो मिनट मेरी वीडियो को देख लें। उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आप जब तक मेरी वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे उस वक्त तक आप नहीं जाएँगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑक्सफोर्ड के A1 ग्रेड लेवल के 3000 ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी इंसान को कराएं तो बहुत आसानी से इंग्लिश को सीख सकता है। और इसके साथ मैं पिक्चर वोकैबुलरी भी लेके आया हूँ, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। चलें सिर्फ दो मिनट मेरी वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या आपको सिखाना चाह रहा हूँ। चलें, ये पार्ट टू है। पार्ट टू में जो पहला वर्ड है वो हमारा है एयर। एयर, ये इसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं, कुछ कलरफुल भी हैं। ये क्यों हैं, अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं देखी पिछली वीडियो तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों कलर मैंने किए हैं। सिर्फ मुझे दो मिनट दीजिएगा। एयर, द मैक्सिमम ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ एंड द दैट वी ब्रीथ। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग है एयर के। द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड द अर्थ एंड दैट वी ब्रीथ। इसकी तीन एग्जांपल्स मैंने बनाई हैं, हर वीडियो की मैं तीन एग्जांपल्स बनाता हूँ। शी गेव मी द एयर, इवन हिज एयर वाज डिफरेंट, आई वेंट आउटसाइड टू गेट सम फ्रेश एयर। ये तीन इसकी एग्जांपल्स हैं, इनकी मीनिंग मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इनकी मीनिंग्स आपने ख़ुद करने हैं और कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड है एयर। एयर उर्दू में कहा जाता है हवा को, एयर हवा, और ये इसकी इमेज है। इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरा वर्ड हमारे लिए पास है मिक्सचर। मिक्सचर कहते हैं मुरक्कब को, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपस में मिलना। ये देखें, ये कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं एक प्याले के अंदर और ये मिक्सचर बन रहा है। फिर एक और कलरफुल वर्ड है, वो है गैसेस। अच्छा, ये जो पर्पल कलर है ये हमारे पास नाउन्स हैं, और ये जो हमारे पास रेड कलर है ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, वर्ब्स हैं। वर्ब्स हैं, ठीक है, ये नाउन्स हैं और ये वर्ब्स हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये सराउंड एक वर्ब आया, इसके जो वो हैं हमारे पास, देखें ये एक रेड कलर का डॉट है, इसके चारों तरफ डॉट हैं। इसका मतलब है कि सराउंड्स घेरना, यानी कि चारों तरफ किसी चीज़ का मौजूद होना। अर्थ, ज़मीन, ठीक है, ब्रीथ, सांस लेना, ये देखें इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। गिव, देना, किसी को कोई चीज़ देना, गिव, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म है गिव। अच्छा, एयर तो हमने पहले भी देखा था, फिर देखते हैं एयर, ठीक है। इसके बाद वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है जाना। ये देखें, कोई एक शख्स जा रहा है, ये देखें, ये ग्रीन से एरो से ग्रीन इसलिए कि सिग्नल पे जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो आपको जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद गेट, हासिल करना, गेट हासिल करना, ये देखें, ये इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये इसे हासिल करने की, या इसके पास कोई डिज़ायर है कि मैं कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ। अब इसे आप पास करेंगे, पास करने के बाद इसकी मीनिंग्स बनाएंगे, ठीक है, पास कर लिया होगा यकीनन, यकीनन आपने उसकी वर्ड मीनिंग्स कर ली होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। आपने प्रैक्टिकली कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। मेरा दूसरा वर्ड है एयरपोर्ट। इसकी मीनिंग पढ़ते हैं इंग्लिश में, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट रेगुलरली टेक ऑफ एंड लैंड विद बिल्डिंग ऑफ पैसेंजर टू वेट इन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, सॉरी मीनिंग है इंग्लिश में। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, द प्लान लैंडेड एट द हैथ्रो एयरपोर्ट, ठीक है, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीज डेज रिक्वायर ऑल पायलट्स एट अ सर्टन बेस एयरपोर्ट regardless of their seniority to fly, ठीक है, ईजी आप इसको कर लेंगे, ठीक है। मीनिंग आपने ज़रूर करनी है, यहाँ तक है, ये देखिए डॉट के बाद ख़त्म हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो हम देखते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ये देखें, जहाँ जहाज़ उतरते हैं, चढ़ते हैं, हवाई अड्डे को एयरपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद एयर देखें, प्लेस दूसरा हमारे पास नाउन आया, प्लेस किसी जगह को कहते हैं, देखें प्लेस जगह, जगह। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़, ठीक है, एयरप्लेन भी कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कहते हैं। टेक, लेना, ठीक है, टेक लेना। लैंड, ज़मीन,
ये देखें लैंड, इसकी मीनिंग ज़मीन, ठीक है, बिल्डिंग्स इमारतें, ठीक है, इमारत है ये। इसका पैसेंजर मुसाफिर, ठीक है, जो मुसाफिर कहीं आ जा रहा है उसको पैसेंजर कहा जाता है। वेट इंतज़ार करना, ठीक है, देखें तीन मुख्तलिफ तस्वीरें हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद प्लान, जहाज़ की शॉर्ट फॉर्म है, एयरप्लेन भी कहते हैं, एयरक्राफ्ट भी कहते हैं और प्लान भी कहते हैं, ठीक है। लैंडेड उतर जाना, देखें ये प्लान उतर रहा है आप देख रहे हैं तस्वीर में, ठीक है, लैंडेड सेकंड फॉर्म है लैंड की, उतर गया। ये देखें ये परिंदा भी उतर रहा है। अच्छा एयरपोर्ट हवाई अड्डा, ठीक है, यहाँ भी दोबारा एयरपोर्ट आ रहा है। डेज दिन, ठीक है, देखें सूरज है और वो एक क्या कहते हैं दरख्त को अपनी चमक से बता रहा है कि दिन है भाई। रिक्वायर ज़रूरत होती है, पायलट्स जो जहाज़ को चलाते हैं, बेस बुनियाद को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सीनियरिटी है हमारे पास, सीनियरिटी कहते हैं सीनियर को। फ्लाई उड़ना, बर्ड्स फ्लाइंग हाई, परिंदे उड़ते हैं, प्लान। इसे पास करें और इसकी मीनिंग करें भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। इसके बाद जो नया वर्ड मेरे पास आ रहा है वो है आल, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। एवरी वन ऑफ और द कंप्लीट अमाउंट ऑफ नंबर और द होल, तमाम, इंग्लिश मीनिंग आ गई। हैव यू डन ऑल योर होमवर्क, बच्चे बहुत तंग होते हैं इससे। ऑल एनिमल हैव टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, आई थिंक दे आर ऑल हैविंग फन विद एलेक्स। ये तीन इसकी एग्जाम्पल्स हैं, मीनिंग आपने ख़ुद करने हैं, मैंने बिल्कुल भी मीनिंग नहीं करनी इनकी। चलिए उर्दू में देखते हैं, आल कहते हैं तमाम सब, वन एक, अमाउंट कहते हैं रकम को, तादाद को, नंबर कहते हैं देखें नंबर तादाद, होल पूरे, होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, होमवर्क घर का काम, ठीक है। एनिमल्स जानवर, ईट खाना, ऑर्डर नंबर इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, लिव जिंदा रहना, थिंक ख्याल, फन मजाक। चलें जी दोस्तों इसको पास करें और इसकी मीनिंग करें। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है आल्सो इन एडिशन, ठीक है, इसकी मीनिंग आ गई इन एडिशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो वैल्यूबल ऑन वुमेन्स हेल्थ केयर, ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी देखते हैं, असाइड फ्रॉम पैकिंग देयर वाज आल्सो डेकोरेटिंग टू बी डन, ये सेकंड इसकी एग्जांपल आ गई। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड आल्सो राइट्स बुक, ठीक है, ये इसकी तीन एग्जाम्पल्स आ गई। अब उर्दू में मीनिंग देखते हैं, आल्सो बी, ये भी भाई, वो भी, ये भी, ये बी आता है ना, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, किसी चीज़ का इजाफा करना, एडिशन जमा करना, एक दो तीन, ये बन गए छः। देखें एक में पहले तो सॉरी इक्वल है ये, एक जमा दो इक्वल थ्री, वन टू थ्री, प्लस का साइन इस्तेमाल होता है इसके लिए। इंफॉर्मेशन मालूमात, वुमेन खातून, हेल्थ सेहत, ये मेडिकल का मोनोग्राम है, ये थर्मामीटर और ये सनी प्लास्ट, केयर देखभाल, पैकिंग पैकिंग करना, डेकोरेटिंग सजाना, डेकोरेशन वगैरह, डन मुकम्मल, फोटोग्राफर तस्वीर खींचने वाला, राइट्स लिखना, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड में बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी सिलेक्शन की है उसके अंदर ये वर्ड्स बार बार आएंगे और एक वर्ड के अंदर बार बार आएंगे, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद पास करें और इसको सीखें। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स है मेरे पास है वो है ऑलवेज, ऑलवेज एवरी टाइम और ऑल द टाइम, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग है। स्पेलिंग सॉरी एग्जाम्पल्स हैं, शी ऑलवेज स्पेल माई नेम रॉन्ग, You have always take care of us, always lock your bicycle to something secure, ठीक है, ये इसकी तीन examples हैं।
मीनिंग्स आपने खुद करने भाई, ये समझने मुझे आते ही नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख लिए कहीं से, मीनिंग्स आपने खुद करने। ऑलवेज हमेशा, देखें हमेशा घड़ी एक ही जगह पे है, ठीक है, हमेशा टाइम वक्त, दूसरा वर्ड आ गया स्पेल, ठीक है, सी ए टी के एट कैट्स, ठीक है, नेम नाम, ये तो आपको पता ही होगा, टेक लेना टेकन, ठीक है, केयर ख्याल करना, लॉक ताला, एक और देखें आ गया ये, बाइसाइकल साइकिल, ठीक है दोस्तों। चलें अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं ताकि आप बोर ना हो जाएं, मैं बातें भी बहुत कर रहा हूँ लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है अमेजिंग, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, ठीक है, तीन एग्जांपल, ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर टू वॉच, सेकंड, इट वाज अमेजिंग हाउ अ पर्सन कुड चेंज, थर्ड, व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस, ये नया वर्ड है हमारे पास, देखें मैंने आपको कहा कुछ नए वर्ड्स आते जाएंगे, आपकी मेमोरी में फिट होते जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल करें, मीनिंग करें, बस खुद ब खुद याद आ जाएंगे, बार बार वीडियो को देखें, बार बार वीडियो की देखें, मीनिंग्स करते जाएं, ठीक है। अमेजिंग की उर्दू मीनिंग्स देखते हैं, हैरत अंगेज, एक्सट्रीमली इंतहाई, सरप्राइजिंग हैरान कुन, ठीक है। अमेजिंग फिर देख लेते हैं, हैरत अंगेज, प्लेयर खेलने वाला, वॉच देखना, गौर से किसी चीज़ को देखना, सी होता है सिर्फ देखना, वॉच गौर से देखना, उस मुशाहिदा करना, मतलब उसको बहुत गौर से देखना, ठीक है। पर्सन शख्स, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, चेंज तब्दील करना, देखें पहले ये होता है, लावा होता है, फिर ये कपड़े चेंज कर रहे हैं दोनों, ठीक है, चेंज करना। नया वर्ड कोइंसिडेंस, इत्तफाक, कोइंसिडेंस इत्तफाक। चलें दोस्तों नए वर्ड की तरफ जा रहे हैं, बोर तो नहीं हुए ना, बोर हो गए हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ बस कर देते हैं क्योंकि आप मेरे ख्याल में बोर हो चुके हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।